आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास ये कहावत कही जाती है, नौ दिन चले अढ़ाई कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस के सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। आदरणीय अध्यक्ष जी, शहरी गरीबों के लिए हमने 4 करोड़ घर बनाए। और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। कांग्रेस, अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते, 5 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता, इस काम को करने में 80 साल लग जाते, एक प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए, ये मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस की चाल से चलते तो ये कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते, 3 पीढ़ियां धुएं में खाना पकाते पकाते गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सैनिटेशन कवरेज 40% से 100% तक पहुंची है। अगर कांग्रेस की रफ्तार होती तो ये काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम 3 पीढ़ियां गुजर जाती, लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कबूतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी,
देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह ना समझिए, यह ना समझिए कि वक्त, यह ना समझिए कि वह कौन में, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही थे। और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी,